अब हम एक सिंपल सा पेज बना के देखते हैं। नॉर्मल अपनी सारी कोडिंग राइट करते हैं, सेव करते हैं। वैसे हमने सेव किया इसे एज अ होम डॉट एच टी एम एल के नाम से, सारी कोडिंग राइट की। इस पर लिखा हमने यहाँ पे होम पेज, ताकि ये डिफाइन हो कि होम पेज है। इसके अलावा जो भी आपको होम पेज में डिजाइन बनानी है बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक हेडर टैग यूज किया, हम हेडिंग से रिलेटेड जानकारी शो करने वाले हैं। लिखा हमने यहाँ पे एच वन, लिखा है हमने यहाँ पे वेलकम टू माय वेबसाइट। देन इसके अलावा कुछ ऐसी लोरियम लिख दिया ताकि पेज थोड़ा सा बड़ा हो जाए। देन यहाँ पे हमने यूज किया फुटर पेज के नीचे का हिस्सा, यहाँ पे कुछ यूज किया एच फोर का यूज करके, लाइक लिख दिया फुटर। इस पे यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल बनाना है तो कॉपीराइट का सिंबल बना दिया, एंड परसेंट कॉपी। यहाँ पे हमने बना दिया कुछ div जिनके अंदर हमने कुछ इमेजेस राइट कर दी, इमेज टैग। हमने यहाँ पे सिंपल से एक div टैग बनाया, यहाँ पे दी क्लास बॉक्स, एक इमेज शो की, वहां पे आउटपुट लेके इमेज वन, ताकि इमेज ना आए तो शो करे। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट हमारा कुछ अभी तक इस तरीके से आ रहा है। वेलकम टू, वेलकम की स्पेलिंग गलत हो रही है, वेलकम, वेलकम टू माय वेबसाइट, हमारा पैराग्राफ शो कर रहा है, इमेजेस आ रही, फोटो आ रहा, कॉपीराइट का सिंबल आ रहा है। इसको थोड़ा सा कलर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अब यूज की एक्सटर्नल सीएसएस, एक पर्टिकुलर सेपरेट फोल्डर बनाया, कंट्रोल शिफ्ट एंड शॉर्टकट सीएसएस नाम दिया फोल्डर का, और उसके अंदर फाइल सेव की एस टी वाई एल स्टाइल डॉट सीएसएस, और फिर इसे हमने अपने पेज पर इंप्लीमेंट किया यूजिंग लिंक टैग। यहाँ पे दिया सीएसएस फोल्डर के अंदर एस टी वाई एल स्टाइल डॉट सी एस एस, पर्टिकुलर हम टैग को क्लोज भी कर रहे हैं, रूल को फॉलो करते हुए सेव। अब हमने इससे बोला कि हेडर टैग को सिलेक्ट करो और उसके बैकग्राउंड को कलर प्रोवाइड करो। बैकग्राउंड कलर सपोज हमने करवा दिया ब्लू, और इसके बाद टेक्स्ट का कलर हमने करवा दिया ब्लू पर ब्लैक, व्हाइट कर देते हैं, और साथ ही साथ इनके ऊपर हमने पैडिंग प्रोवाइड कर दी ताकि ये बॉक्स थोड़ा सा खिला खिला नजर आए, मोटा हो जाए खते पीते करके। देन इसके बाद पैडिंग कंप्लीट। हम चाहते हैं फुटर के साथ भी यही सारा काम हो, तो हमने यहाँ पे फुटर टैग भी लिख दिया। रन करके देखते हैं, ये फुटर के ऊपर हो गया, ये हमारा फुटर और ब्लैक हेडर एक जैसा आ गया। हम चाहते हैं फुटर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट कलर आए, तो सेपरेट हमने फिर से कॉल किया और इसके ऊपर हमने जो भी कलर अप्लाई करना था कर दिया। इस तरीके से सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो हल्का सा स्पेस आ रहा है इस जगह पर, हल्का सा स्पेस यहाँ पर आ रहा है, टॉप पे आ रहा है, बॉटम पे, राइट पे आ रहा है, हर जगह ये स्पेस बाय डिफॉल्ट चल रहा है। इस स्पेस को कम करना है हमें, तो इसके लिए हमने बोला है कि यूनिवर्सल सेलेक्टर, हमने बोला कि एक काम करो मार्जिन जो है, मार्जिन इसको कर दो जीरो और पैडिंग को कर दो जीरो। इस तरीके की लाइन यूज करने से ये बाय डिफॉल्ट जो स्पेस आ रहा था वो अलग हो गया, यहाँ पास एक फुटर हो गया। फुटर हम चाहते हैं इस तरह की इमेजेस, यहाँ पे चार इमेजेस लग जाए, हम चाहते हैं कि चार इमेजेस हमारी एक साथ एक लाइन पे आ जाए। यहाँ पर हमारे पास चार इमेजेस भी हैं, ये सारी इमेजेस है, यही हम चाहते हैं यहाँ पर। तो हमने अपने पेज पर क्या क्या रखा है, क्लास बना के रखी है बॉक्स, उसके अंदर यूज किया है इमेज, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ यूज किया डॉट बॉक्स की क्लास को, और यहाँ पे इसके बाद हमने लिखा बॉक्स के बाद इमेज टैग को,
इमेज टैग को हमने बोली विद 100%, मतलब कि हमारा जो डिव है पहले वाला, कौन सा डिव? ये वाला डिव जिसके अंदर हमने इमेज टैग लिखा है, ये वाला डिव। ये डिव जितना बड़ा होगा इमेज भी हमें उतनी बड़ी दिखाई देगी। इस कोड से हमने लिख दिया, अब पर्टिकुलर जितना बड़ा हो उतनी हमारी इमेज दिखाई देगी। तो हम एक बॉर्डर बना देते हैं ताकि दिखाई दे कितना बड़ा ये बॉक्स बन रहा है। तो 1px सॉलिड करवा देते हैं और साथ में रेड करवा देते हैं, सॉलिड रेड। तो बॉर्डर एकदम हाईलाइटेड होगी। तो विद 100% है, 100% में इमेज की विद्थ जितनी थी उतनी स्क्रीन के साइज के हिसाब से होगी। बॉर्डर दिया था रेड, रेड के हिसाब से स्पेक्शन एलिमेंट पर जाके चेंजेस करके देखते हैं ताकि हमें बार बार वहां पे चेंज करके देखना ना पड़े। यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक किया, ये बॉक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने जो बॉक्स ऊपर बॉर्डर लगा के रखा वो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। हम चाहे तो यहाँ से भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ्री कोडिंग हमें वहां पे चेंज करनी होगी। इसके अलावा हम चाहते हैं कि इसको एक विड्थ प्रोवाइड करें, तो हमें विड्थ भी प्रोवाइड की। अब इसे हम पिक्सल में प्रोवाइड कर सकते हैं, पीएक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे चार स्पेस चाहिए, तो चार स्पेस को हम 100% से डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर में हमें मिल जाएगा 25%। तो 25, 25, 25 बीच में स्पेसिंग मार्जिन अगर देना है तो उसके लिए हम 1% छोड़ देते हैं। इस तरीके का भी यूज करके पर्टिकुलर आप अपनी साइड को बना सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले में हमने इस तरीके से यूज किया है। अब हम इस कोड को कॉपी करते हैं कई बार। अब क्लास बॉक्स पर्टिकुलर बॉक्स की तरह काम करेगा, उसके अंदर जितनी भी इमेज रहेंगे इमेज की तरह। तो हम चार बार कॉपी कर दिए, यहाँ पे चेंज कर देते हैं टू, क्योंकि नाम भी फाइल का एकदम क्रम से है तो हमें चेंजेस ज्यादा नहीं करने। 3, 4, 5, 6 और एग्जीक्यूट। तो हमारे पास ये चार इमेज, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कोड चेंज किया था वो तो हमने यहाँ पे किया था, उसको हमने सेव नहीं किया था 24%। ठीक है, इसलिए वो ऊपर नहीं आई थी। तो 24 बॉक्सेस के हिसाब से डिवाइड तो हो गया, एक लाइन में नहीं आ रही थी। इस बॉक्स को हमने क्या किया, हम यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट यूज कर सकते हैं कि लेफ्ट में आ जाए। लेफ्ट में आते हो गए, लेकिन जो खाली जगह थी उसमें हम मर्ज करने का कोशिश कर रहे हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट। हम फ्लोट लेफ्ट ना यूज करके इसके लिए अभी के लिए फिलहाल यूज कर लेते हैं डिस्प्ले इन लाइन। तो डिस्प्ले इन लाइन में आ गए तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। हमने डिस्प्ले इन लाइन के साथ यूज किया ब्लॉक, तो ये एडजस्ट हो गया। अब क्योंकि इमेज छोटी बड़ी है, ये इमेज बड़ी थी तो ये बड़ी आ रही है, छोटी थी तो छोटी थी। अब इसको एडजस्ट करना है तो इसकी हाइट एडजस्ट करके देखते हैं। हाइट 150px एडजस्ट कर रहा क्या? नहीं। यहाँ पे देखो तो ये बॉर्डर छोटी हो गई है, मतलब डिव छोटा हो रहा है, लेकिन इससे काम नहीं बन रहा था। इसको हम अलग करते हैं यहाँ से। ठीक है, हम जाते हैं इमेज पे और इमेज को प्रोवाइड करते हैं हाइट। हाइट ऑटो करके देखते हैं, तो ऑटो तो वैसे ही जितनी बड़ी होगी तो नहीं आएगा। हम यहाँ पे इसे फिक्स करवा सकते हैं, 150px हमने फिक्स कर दिया। अब 150px में क्या प्रॉपर इमेजेस आ रही है? सारी पे होगा ना ये अप्लाई? तो हमने थोड़ा सा इसको और एडजस्ट किया ताकि हमारी इमेज प्रॉपर ढंग से दिखाई दे। तो 180 या फिर 200 पे हमने इसे एडजस्ट कर दिया, 200 पे प्रॉपर इमेज दिखाई दे रही है ये सारी। अब यही सारी चेंजेस जो हमने किए हैं अपने कोडिंग में, इसमें टेस्टिंग में, यही जाके हमें अपने HTML पेज पे मॉडिफाई करना होगा CSS में। तो ये काम हमने इससे किया, स्टाइल एडिटर पे गए। यहाँ पे देखो एक्सटर्नल हमने यूज किया था, 5 rule दिखा रहा, मॉडिफाई हुए हैं। सेव पे क्लिक किया, डायरेक्टली वो चेंजेस हो जाएंगे। रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी भी वो चेंजेस बने हुए हैं और CSS भी हमारा चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हमें बेनिफिट मिलता है स्पेक्ट्रम एलिमेंट का। और इस तरीके से आप एक एलिमेंट बना, हमने इसको 24 पर डिवाइड किया है। इसको हम कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करेंगे, ये फायरफॉक्स में प्रोवाइड होता है। तो ये क्या कर रहा है, इसे एडजस्ट कर रहा है जहां तक हो सके वो उसको ऊपर तक लाए, जिसके बाद इसके लिमिट से बाहर होगा। देखो एडजस्ट कर रहा है ये पूरा 24% ही लेके रखा, भले इमेज दब जाए कट जाए, इमेज से इसकी कैपेसिटी से बाहर हुआ तो उसने नीचे की एडजस्ट कर दिया। ये ऑटोमेटिक परसेंटेज में यूज करने के बेनिफिट है। तो ये हमने इससे किया, विड्थ हमने प्रोवाइड कर ली 24% और इमेज को 100% प्रोवाइड करके रखा है। तो इमेज जितना बड़ा डिव रहेगा इमेज 100% दिखाती रहेगी,
डिप छोटा होता जाएगा, ये भी छोटी जाएगा। हमने 24 100 का चलता है 100%, तो हमने 24% दे दिया, 24 इसको 24 24, तो कैलकुलेशन करेंगे समथिंग अराउंड ये हमारा आएगा वही समथिंग ऑफ 90 के समथिंग, मतलब हमारे पास 4 पॉइंट, हाँ 96 आएगा ये, 4% हमारा मार्जिन पेंडिंग के लिए हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमने इस पे अभी देखो यहाँ पे ऊपर से स्पेस आ रहा है, नीचे से स्पेस कम है, तो ये सारी चीजें हमें एडजस्ट करनी है, तो हमने बॉक्स के साथ एडजस्ट किया। हमने बोला कि इसके साथ मार्जिन प्रोवाइड किया, हमने बोला मार्जिन टॉप और बॉटम प्रोवाइड हो, तो हमने यहाँ पे यूज किया मार्जिन टॉप से हमने दिया 10 px का स्पेस, बॉटम से हमने दिया 10 px का स्पेस, और टॉप राइट राइट से दिया हमने 10 px का स्पेस, और बॉटम से दिया हमने 10 px का स्पेस, और लेफ्ट से कोई स्पेस नहीं देना तो जीरो कर दिया। तो इस बेसिस पे हमारे पास ये डिजाइन इस तरीके से आ गई। अभी डिजाइन आ तो गई ये आ गई, देखिए थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग की वजह से एक एलिमेंट नीचे चला गया, तो मार्जिन पैडिंग हमें थोड़ा सा एडजस्ट करनी होगी, तो हमने यहाँ से एडजस्ट करना स्टार्ट किया, ये टॉप राइट बॉटम और ये लेफ्ट, तो राइट से स्पेस जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा कम किया 8 px तक तो एडजस्ट कर रहा है, तो 8 px हम यहाँ पे फिक्स करवा सकते हैं मैनुअली जाके यहाँ से खुद से जहाँ पे लिखा देखो अभी भी 10 px है, जाके चेंज कर दिए 8 px, या फिर यही काम हम यहाँ पे जाके और सेव पे क्लिक करके कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एक थोड़ा सा सिंपल पेज बना लिया।